हाय एवरीवन, मैं भूवी, नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये क्रॉप टॉप बुनना सिखाऊंगी और ये फर्स्ट पार्ट है। इस क्रॉप टॉप को बुनने के लिए मैं 100% कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, 10 नंबर की निडल और सिलने के लिए सुई और सीजर। मैं स्मॉल साइज़ का क्रॉप टॉप बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं 80 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ। यदि आप बिल्कुल फिट चाहती हैं तो 70 फंदे कास्ट ऑन कर सकती हैं। और आप इससे पतली यार्न यूज़ कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल जाती हैं तो फंदे ज़्यादा कास्ट ऑन करिएगा। अब मैंने यहाँ 80 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इस रो की बुनाई हम पूरी सुलटी करेंगे। अब एक रो पूरी सुलटी बुनाई करने के बाद ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड से हम बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर एक लूप सुलटी बुनाई करेंगे, फिर यहाँ आगे लाके दूसरी उल्टी बुनाई करेंगे। ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट रो को रिपीट करके तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि हमारी बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। मैंने बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट कर ली है। आप चाहे तो इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। अब हम यहाँ से आगे की बुनाई शुरू करेंगे। इस रो की पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे और बाकी फंदों को हमें सुलटा ही बुन कर ये रो कंप्लीट करना है। राइट साइड हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमें पूरी रो पर्ल बुनाई करनी है, मीन्स हमने उल्टी बुनाई करनी है। अब हम लास्ट टू रोज को रिपीट करके तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि हमारी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। मैंने इसकी इतनी लेंथ कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड उल्टा बुनकर और उल्टी साइड उल्टा बुनकर। और आप देख सकते हैं मैंने इसकी बॉर्डर को भी बहुत हल्के हाथों से बुना है ताकि ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल हो। अब मैं आपको ये बॉर्डर की लेंथ बताऊँगी मैंने कितनी रखी है। मैंने बॉर्डर को लगभग ये 3 इंच तक बुना है। आप चाहे तो इससे बढ़ाकर रख सकती हैं या इसको घटा भी सकती हैं। और बॉर्डर से मैंने यहाँ तक इसकी लेंथ लगभग 8.5 इंच रखी है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको घटा और बढ़ा भी सकती हैं। अब इतनी बुनाई करने के बाद हमें यहाँ से आमूल की कटिंग करनी है। अब हम दोनों साइड से फंदे घटाते जाएंगे। ये वी नेक का क्रॉप टॉप है तो बाद में हमें वी नेक की भी कटिंग करनी होगी इसमें। चलिए उससे पहले हम आमूल की कटिंग करना सीखते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आमूल की कटिंग करना सिखाऊंगी। अब इसमें सबसे पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर दूसरी लूप को हम सुलटा बुनेंगे।
फिर आगे के दो फंदों को हमें साथ बुनना है, लेकिन उससे पहले हमें फंदे इस तरह से उठाने हैं। जैसे मैं उठा रही हूँ आप वैसे ही उठाइएगा। फिर जैसे हमने फंदे उठाए, दूसरी निडल में हम उसको इंसर्ट करके फिर बैक साइड से इसकी बुनाई करेंगे। इसको हम स्लिप स्लिप नीड बोलेंगे, कि दो बार हमने फंदा स्लिप किया फिर दोनों फंदों को एक साथ हमने बुना है। ऐसे फंदे कटाने से यहाँ पे आमूल की शेप आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। अब आगे जो फंदे हैं हमें सीधे ही बुनने हैं, दूसरी साइड के चार फंदे बचने तक। अब यहाँ दूसरी साइड चार फंदे बच गए हैं, तो दूसरी साइड के आमूल की कटिंग करेंगे। हमने जैसे वहाँ घटाया था वैसे यहाँ पे नहीं घटाना है, यहाँ पे हमें सीधे ही घटाना है। यहाँ पे हम स्लिप नहीं करेंगे, सीधे ही दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब आगे के दो फंदे को हमें सुलटा ही बुनना है। अभी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को स्लिप करके बाकी एंड तक हम पर्ल बुनाई करेंगे, मींस उल्टी बुनाई करेंगे। अब ये राइट साइड है, हमने एक एक बार दोनों साइड के आमूल के फंदे घटा लिए हैं। अब एक बार यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ, हम यहाँ पे सबसे पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, दूसरी लूप को सुलटाई बुनेंगे, फिर दोनों लूप्स को हमें आगे के साथ बुनना है, लेकिन उससे पहले हम दोनों को स्लिप करके फिर बैक साइड से एक साथ बुनेंगे। फिर इसके बाद दूसरी साइड के चार फंदे बचने तक हम सुलटी बुनाई करेंगे। अब ये दूसरी साइड की आमूल की कटिंग करनी है हमें। यहाँ पे हम इन दो फंदों को ऐसे ही साथ बुनेंगे, यहाँ पे हमें स्लिप करना नहीं है। फिर आगे के दो फंदे हम सुलटे ही बुनेंगे। हमने राइट साइड बुन लिया है, अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड की पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर आगे पर्ल बुनाई करके ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन टू रोज़ को ही रिपीट करेंगे, दोनों साइड के चार चार फंदे हमें और घटाने हैं, तब तक हमें बुनते ही जाना है। उल्टी साइड से हम फंदे घटाएंगे और उल्टी साइड से हमें उल्टा ही बुनना है। मैंने आगे बुनाई कंटिन्यू करके इस साइड के छः फंदे घटा लिए हैं और दूसरी साइड के भी छः फंदे घटा लिए। अभी हमें आमूल की दो दो बार और कटिंग करनी है और यहाँ से अब नेक पार्ट भी शुरू हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे फंदे डिवाइड कर दिए। टोटल 68 फंदे हमारे पास, तो 34 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। पहले हम एक साइड की नेक की बुनाई पूरी करेंगे, फिर बाद में हम दूसरे साइड की बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे हम आमूल की पहले कटिंग करेंगे, जैसे हमने पहले की वैसे ही करेंगे। पहली लूप का हम ऐसे उतारेंगे, दूसरी लूप को सुलटा बुनेंगे, फिर दोनों लूप्स को स्लिप करके उसे बैक साइड से एक साथ बुनेंगे। और दूसरी साइड चार फंदे बचने तक हमें बुनाई करनी है। अब यहाँ पे ये चार फंदे बच गए हैं, तो यहाँ पे हमें नेक पार्ट की भी कटिंग वैसे ही करनी है जैसे कि आमूल की हमने कटिंग की थी। तो यहाँ पे हमें दो फंदों को साथ ही बुनना है और आगे के दो फंदे हमें सुलटे बुनने। ये हमारा लेफ्ट साइड का नेक पार्ट है। मैंने राइट साइड के पार्ट को सेफ्टी पिन में सिक्योर कर लिया है। पहले हम लेफ्ट साइड को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में राइट साइड बुनेंगे।
अब रॉन्ग साइड में हमें पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो उल्टी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे एक बार हम आर्म होल की कटिंग और करेंगे। ये लास्ट टाइम हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। इसमें पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, दूसरी लूप को उल्टी बुनाई करके आगे के दो लूप्स को स्लिप करके दूसरी साइड के नीडल में इंसर्ट करके बैक साइड से इसकी बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारी आर्म होल की कटिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद हम फंदे नहीं कटाएंगे। अब दूसरी साइड के चार फंदे बचने तक हमें उल्टी बुनाई करनी है। अब यहाँ चार फंदे बच गए हैं और ये हमारे लेफ्ट साइड के नेक पार्ट की कटिंग है, तो दो फंदे हमें साथ ही बुनने हैं, फिर बचे दो फंदे हमें उल्टी बुनाई करनी है। अब ऐसे ही कंटिन्यू करके और टू रोज को रिपीट करके हमें नेक पार्ट को शेप देते जाना है। अब हम आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सीधी बुनाई करेंगे। हमें लेफ्ट नेक पार्ट के फंदों को उल्टी साइड से तब तक कटाते जाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 18 फंदे ना बच जाए। मैंने आगे बुनाई करके नेक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 फंदे बच गए हैं। नेक की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमें इसकी लेंथ और बढ़ानी है। अब हम उल्टी साइड उल्टी बुनाई करके और उल्टी साइड उल्टी बुनाई करके इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाएंगे। और जहाँ से नेक पार्ट की कटिंग शुरू हुई है वहाँ से लेके हम ऊपर 7 इंच कंप्लीट होने तक इसकी बुनाई करेंगे। मैंने इसकी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरी साइड के नेक पार्ट को भी बुनना है। उससे पहले हमें इस साइड के इन फंदों को सेफ्टी पिन में सिक्योर करना होगा। अभी हम इसको बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में हम जो बैक साइड का पार्ट बनाएंगे उन्हीं फंदों के साथ हमें इसको जोड़ना है। अब लेफ्ट साइड के फंदों को सिक्योर करने के बाद हम राइट साइड के नेक पार्ट को बुनेंगे। इसको पहले हम नीडल में इंसर्ट कर लेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। फंदों को निडल में इंसर्ट करने के बाद लेफ्ट साइड की जैसे हमने बुनाई की थी वैसे ही हम राइट साइड की भी बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमें दूसरी यार्न से बुनना होगा, तो पहली जो लूप है उसको हम यहाँ पे बुनेंगे। फिर दूसरी लूप को भी हम उल्टी बुनाई करेंगे। फिर आगे दो फंदों को हमें एक साथ बुनना है। दोनों फंदों को पहले हम नीडल में ऐसे नहीं ऐसे हम उतारेंगे, फिर हमें दोनों फंदों को बैक साइड से साथ में बुनाई करनी है। जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की वैसे ही हमें नेक पार्ट की भी कटिंग करनी है। अब इन दो फंदों को बुनने के बाद अब आगे हमें बुनते जाना है जब तक कि चार फंदे ना बच जाए, क्योंकि हमें इस साइड के आर्म होल की भी दो बार कटिंग करनी है हमें। अब यहाँ चार फंदे बच गए हैं, तो यहाँ पे हमें
आमूल की कटिंग करनी है। तो इन दो फंदों को हमें एक साथ ऐसे ही बुनना है, फिर आगे के दो फंदे हमें सुलटी बुनाई करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे हम पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो उल्टी बुनाई करेंगे। अब हमें लास्ट टू रोज को रिपीट करके वैसे ही दोनों साइड के फंदे घटाने हैं। अब हम यहाँ से नेक पार्ट को वैसे ही कंटिन्यू बुनेंगे, लेकिन इस साइड जो आमूल की कटिंग हम नहीं करेंगे, इसको हम सीधे ही बुनते जाएंगे। इसको भी लेफ्ट नेक की तरह ही बुनना है। मैंने राइट नेक भी कंप्लीट कर लिया है। हमने फ्रंट पार्ट तो बना लिया है, अब हमें बैक साइड की भी बुनाई करनी है। बैक साइड बुनकर फिर हम इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे। मैंने बैक साइड की इतनी बुनाई कर ली है, अब मैंने यहाँ पे आगे आमूल की बुनाई स्टार्ट करनी है। अब ये बैक साइड का पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मैंने बैक साइड के बॉर्डर की लेंथ फ्रंट साइड के बॉर्डर की लेंथ से थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसकी लगभग आधा इंच इससे लंबी रखी है। आप चाहे तो इन दोनों को बराबर भी बना सकती हैं और उससे लंबी भी रख सकती हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड के आमूल की कटिंग की थी, वैसे ही हम बैक साइड के आमूल की भी कटिंग करेंगे। मैंने बैक साइड की भी आमूल की कटिंग कर ली है। मैंने आमूल की कटिंग कंप्लीट करके आगे बुनाई की है। मैं इसको आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ कि मैंने कितना बुना है इसको। मैंने इसको लगभग 7 इंच तक बुन लिया है। ये मैंने आमूल की कटिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके 7 इंच तक मैंने इसको बुना है। अब यहाँ हमें बैक साइड में राउंड नेक की भी कटिंग करनी है। इसमें अब हमारे पास 64 फंदे हैं, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। बीच में 6 फंदे हैं, इस साइड 29 और इस साइड 29 फंदे। बीच के जो ये 6 फंदे हैं, इसको हम बाइंड ऑफ करेंगे और इससे ही हमारी नेक की कटिंग स्टार्ट होगी। अब हम इस साइड के 29 फंदे पहले बुनेंगे। इसमें सबसे पहले लूप का मैं से उतारेंगे, फिर 28 फंदे हम बुनेंगे। अब हमें यहाँ बीच के 6 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। अब इस साइड से भी एक फंदा हम घटाएंगे, तो ये टोटल 6 फंदे हो गए।
अब दोनों साइड हमारे पास 29 फंदे हैं और बीच में हमने 6 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब हम सबसे पहले राइट साइड की नेक को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो रो है हम सीधी बुनाई करेंगे। अब राइट साइड कंप्लीट होने के बाद हम रॉन्ग साइड पूरी उल्टी बुनाई करेंगे। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये राइट साइड से हम बुनना शुरू करेंगे। ये पार्ट हम बाद में बनाएंगे, पहले हम लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सबसे पहली लूप को ऐसे उतारेंगे, फिर दूसरी लूप को हमें सीधा ऐसे उतारना है, फिर हम पहली लूप से दूसरी लूप को ऐसे घटा देंगे। एक हमने यहाँ पर घटा लिया है, अब हमें दो फंदे और घटाने। तो हम दूसरे फंदे ऐसे बुन के पहले वाले फंदे से ऐसे घटाएंगे, फिर एक बार और ऐसे ही घटाएंगे। हमें टोटल 3 बार फंदे घटाने हैं, तो इसकी नेक की शेप आ जाएगी। अब आगे हमें फंदों को सीधा ही बुनना है। अभी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में पहली लूप को ऐसे उतार के पूरी रो हम उल्टी बुनाई करेंगे। अभी राइट साइड है, इस रो में भी हम 3 फंदे फिर से घटाएंगे। जैसे हमने पहले घटाया था, हम उसी तरह से यहाँ भी घटाएंगे। अब इस रो में हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। रॉन्ग साइड में हम उल्टी बुनाई करेंगे, फिर उसकी अगली रो में राइट साइड में फिर से हम 3 फंदे घटाएंगे, फिर रॉन्ग साइड में हमें फिर से उल्टी बुनाई करनी है, फिर हम ये नेक की कटिंग की लास्ट रो में 2 फंदे घटाएंगे, फिर रॉन्ग साइड हम उल्टी बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। मैंने नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास केवल 18 फंदे बच गए हैं। अब हमें आगे सुलटी साइड सुलटी और उल्टी साइड उल्टी बनाई करके इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैंने इसकी बुनाई कंटिन्यू करके इसकी लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। मैंने लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों को हम बाद में यहाँ पे जोड़ेंगे। अब हमें राइट साइड की नेक कटिंग करनी है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। जैसे हमने लेफ्ट साइड की नेक की कटिंग की थी, वैसे ही अब हम राइट साइड के नेक की कटिंग करेंगे। जब हमने फंदे बाइंड ऑफ किए तो ये साइड में थोड़ा सा गैप बच गया। उस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, उसको ऐसे मोड़ के उठाएंगे। उसी फंदे को हमें उठाकर इस साइड के फंदे से घटाना है, ऐसे करके। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रहा है। अब हमें यार्न लेना है और पूरी रो हमें उल्टी बुनाई करनी है।
अब रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद राइट साइड भी हमें पूरी सुलटी बुनाई करनी है। पहली लूप को हम ऐसे उतारेंगे, फिर पूरी रो हम सुलटी ही बुनाई करेंगे। लेफ्ट साइड की नेक कटिंग में हम राइट साइड से ही बाइंड ऑफ कर रहे थे, लेकिन राइट साइड में हम रॉन्ग साइड से ही बाइंड ऑफ करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट नेक की कटिंग की थी वैसे ही हम यहाँ भी कटिंग करेंगे, और 3 times हमें राइट साइड में 3 फंदे घटाने हैं हर बार। उसके बाद की एक रो में हमें 2 फंदे घटाने हैं केवल। उसके बाद हमारे पास केवल 18 फंदे बच जाएंगे, तो आगे सुलटे साइड सुलटी और उल्टे साइड उल्टी बुनाई करेंगे, और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हमें बुनते ही जाना है। मैंने बुनाई कंटिन्यू करके राइट साइड की नेक को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोनों शोल्डर्स को जोड़ेंगे। इनको हम रॉन्ग साइड से जोड़ेंगे, तो बैक साइड और फ्रंट पार्ट के 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे हम, फिर बाइंड ऑफ करते जाएंगे। इन 2 फंदों को हमें ऐसे एक साथ बुनना है, फिर आगे के 2 फंदों को भी हमें ऐसे उठा के एक साथ बुनना है, फिर बुने हुए फंदों को एक फंदे से दूसरे फंदे को ऐसे करके घटाना है। हम फंदे घटाते भी जाएंगे और बाइंड ऑफ भी करते जाएंगे। मैंने पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। ऐसे बाइंड ऑफ करने से इन दोनों के बीच में गैप भी नहीं दिखता। फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो अब यहीं पर एंड करूंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।